इट्स टू स्ट्रेंज, मेरा दिन तो बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है, इवन कि मैं तो संडे वाले दिन भी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ. महातुम, वेल आई थिंक आप लोग मुझे डिस्कस करने के बजाय अपना ब्रेकफास्ट करें तो बेटर है. शी इज माय कजिन और वो यहाँ हमारे साथ काम करने आई है, और वैसे भी तुम होती कौन हो उसके यहाँ रहने पे एतराज करने वाली. मुझे लगता है कि अमर वो नहीं है जो हम सबको दिखाई देता. काफी ब्रेन वॉश कर दिया ईमान ने आपका. ईमान जी. दानियाल भाई तुम रेडी हो? हाँ रेडी हो. हाँ तो बस चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ. नहीं मैं खुद चली जाऊंगी. क्यों, मैं ड्रॉप कर देता हूँ? दानियाल भाई आपकी और मेरी टाइमिंग्स बहुत अलग हैं, और वैसे भी मैं कुछ दिनों में जो है ना वो कन्विंस लगवा लूंगी, आप परेशान ना हो. ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं पिक एंड ड्रॉप आज से मैं दूंगा. चलो जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो. पता नहीं महा को मेरी बात समझ आई है या नहीं. क्या इस कंफ्यूजन को दूर करने में मेरी मदद करेगी वो, या फिर खैर क्या बात है बेटा? मॉम मैं आपके पास ही आने वाला था. असल में कल रात को मैंने आपको और डैड को कुछ बात करते हुए सुना था अपनी दूसरी शादी के बारे में. उस बारे में बात करनी थी. बेटा दोबारा शादी तो तुम्हें करनी होगी. तुम्हारी ईमान से जान छूट जाए तो सारी जिंदगी अकेले थोड़ी रहना है. लेकिन मॉम. बेटा कुछ भी कहने से पहले अपना वादा याद रखना. मॉम मैं कैसे किसी आधे सच की बुनियाद पर ईमान को छोड़ सकता हूँ? तो क्या पूरा सच तब होगा जब तुम ईमान को किसी. बस कर दे मॉम, बस कर दे. आप ईमान पे इल्जाम लगाते हो. आप ये शायद भूल रही हैं कि जिस शख्स को आप ईमान के साथ जोड़ी हो वो महा का शौहर है. उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली आपने. मैं जानती थी यही सब होगा. मुझे अंदाजा था तुम दानियाल की बातों में आकर ना यही सब करोगी. आपको क्या लगता है मेरी अपनी कोई अकल समझ नहीं है? मॉम किसी पे इल्जाम तराशी करना ना बहुत आसान काम है, पर दानियाल की बात को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? ईमान का पॉइंट ऑफ व्यू जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दानियाल तो कभी सच बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो ईमान का भाई. पर अहमर तो 100% ठीक है. आप और महा भी तो उसको डिफेंड करें ना, हालांकि वो. मॉम मैं कोई भी फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले सकता कि उस रात को ईमान और अहमर साथ थे. तो मत करो फैसला, मत दो तलाक ईमान को, भले वो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहे. तुम्हें दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी, ये मेरा फैसला है. और तुम उस लड़की से शादी करोगे, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, समझे तुम? और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? तो फिर तुम मेरा मरा मुंह देखो. अस्सलामुअलैकुम मैम. वालेकुम सलाम. अरे आ गई ईमान, बैठे प्लीज. जी रिलैक्स, घबरा क्यों रही है? नहीं नहीं मैम मैं ठीक हूँ, ऐसी बात नहीं है. समझ सकती हूँ मैं, आज तुम्हारा पहला दिन है और इससे पहले तुमने कहीं जॉब भी नहीं की. जी मैम ये मेरी फर्स्ट जॉब. देखो ईमान बच्चों को पढ़ाना बहुत जिम्मेदारी का काम है. बच्चों का फ्यूचर टीचर्स पे ही डिपेंड करता है. अगर टीचर्स बच्चों को दिलजोई और लगन से पढ़ाएंगे तो बच्चे कामयाबी की तरफ गामजन होंगे, वरना
नाकामी उनका मुकद्दर बन जाएगी। मैम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी और आपको शिकायत का कभी भी कोई मौका नहीं दूंगी, और इन बच्चों को बहुत लगन से पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। दैट्स गुड, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। इसे ध्यान से पढ़ लो, इसमें स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए जिन्हें तुम्हें हर सूरत में फॉलो करना है। तुम्हारा एग्रीमेंट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो तुम उस पर साइन कर देना। जी। आराम से पढ़ लो। वाजिदा को अंदर भेज दें। पुप्पो, जहां तक मुझे याद है आपने तो यहाँ मुझे अपनी हेल्प आउट के लिए बुलाया था। हाँ तो मेरा कोई भी काम नहीं है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ वेकेशंस पर हूँ। समरीन, मैंने ये सोचा कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगी विजिट कराने के लिए। फिलहाल तो एमए मुझे सिटी विजिट करवा रहा है। पुप्पो वो काफी बदल गया है, इनफैक्ट के काफी रिस्पॉन्सिबल हो गया है, आपकी ऑफिस में हेल्प आउट करता है, मेरी इतनी फिक्र करता है। पहले तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्या बात है फुको, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप अगर चाहें तो अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकती हैं। ये सच है कि अमर बहुत बदल गया है और उसकी वजह से मेरी जिम्मेदारियां भी बहुत कम हो गई हैं, लेकिन लेकिन क्या पुपो? समरीन, मैंने अहमर के सुपुर्द कारोबार इसलिए नहीं किया था कि मैं थक गई हूँ, बल्कि मैं ये चाहती थी कि वो मुस्तकिल मिजाजी से काम करे। उसके अंदर एक आदत है, वो बहुत जल्दी हर चीज़ से बेजार हो जाता है, चाहे वो काम हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। क्या बात है पुपो, अहमर और माँ एक साथ खुश नहीं है क्या? अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, मैंने नोट किया है माँ का मूड अक्सर ऑफ रहता है और अहमर भी उसे टाइम नहीं देता। समीन, उनकी शादी में तो पहले दिन से ही प्रॉब्लम थे। जब अहमर ने माँ के लिए मुझसे कहा तो मुझे ऐसे लगा शायद माँ वो लड़की है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगी, मगर मैं अहमर को ब्लेम नहीं करूँगी। माँ बहुत जज्बाती और मूडी लड़की है, आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम है, जरा से भी फ्लेक्सिबल नहीं है और शादी के लिए तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इंसान को। नहीं पुप्पो, मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज तो दोनों को ही करना पड़ता है, एक औरत आखिर कब तक अकेले रिश्ते को खींच सकती है। कितनी समझदारी की बातें करने लग गई हो तुम, कितनी मैच्योर हो गई हो। काश वो मेरी बात सुन लेता तो आज माँ की जगह इस घर में तुम होती, फिर शायद अहमद भी वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाता। अब क्या सोच रही है पुप्पो? यही कि माँ होना भी कितना बड़ा चैलेंज है, ना चाहते हुए भी एक माँ अपनी औलाद के लिए खुद कर्ज हो जाती है। डोंट वरी पुप्पो, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए मैम, मैंने साइन कर दिया।
अब सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम ऑफिशियली इस स्कूल का हिस्सा हो। थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे जॉब दी। अरे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम ये जॉब डिजर्व करती हो और तुम्हारी जैसी होनहार और क्वालिफाइड लड़की ही की मुझे जरूरत थी। थैंक यू। मैं कमिंग मैम। आ जाओ आयता, इनसे मिलो, ये ईमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। ईमान, ये वाजदा है, जिस क्लास को तुमने पढ़ाना है वाजदा उसी क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है। तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वाजदा तुम्हारी हेल्प कर देगी। थैंक यू, थैंक यू जी। वाजदा, ईमान को स्कूल का विजिट करा दो और इनको सिलेबस के बारे में भी समझा देना, कल से ये रेगुलर क्लास लेंगी, ठीक है वाजदा? जी ठीक है, मैं समझा देती हूँ ईमान को। चले ईमान। जी थैंक यू मैम। मैं तो ईमान को अहमर के दिलो दिमाग और उसकी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। तो ये अब समरीन कहां से बीच में आ गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसे एक कजन की तरह ट्रीट कर रहा है। और लेकिन फखर भाई कह रहे थे कि अहमर बार बार ईमान से कांटेक्ट कर रहा है, अगर ये सब सच निकला तो God. Mama, are you all right? Don't touch me. तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरे रूम में आओ? मैं तो बस वैसे ही, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यू नीड एनी हेल्प? आई डोंट नीड योर हेल्प। निकलो मेरे रूम से, निकलो। आई सेड सो ईमान, कल से ये सब बच्चों को तुमने पढ़ाने हैं, और हाँ इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं यार, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत हेल्प कर दी मेरी। मैं तो यहाँ आने से पहले इतना घबरा रही थी, लेकिन अब बहुत रिलैक्स हूँ। घबराना कैसा, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है ईमान, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी हमारी मैम है जो हर वक्त हमारे साथ खड़ी है।
बहुत सपोर्ट करती हैं अपने टीचर्स को। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल तो अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाता है। बहुत संजीदा बातें करती हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं क्लास लेके आती हूँ, फिर हम कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, ठीक है? ठीक है, तब तक मैं ही रीड कर लेती हूँ। हाँ ठीक, गुड, ओके, थैंक यू। सब खैरियत है ना? आज आपने खुद से कैसे याद किया? एक छोटा सा काम है तुमसे। काम सर, छोटा हो या बड़ा, आप कहीं की जान भी आ गई। फिलहाल जान की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो वो भी ले लूंगा। तुम बता रहे थे तुम्हारी बीवी उस स्कूल में आया का काम करती। जी हाँ, काफी सालों से है। उसे मेरे लिए काम करना हो और फिक्र मत करो, मामूली सा काम। मामूली हो या बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर से सब कुछ करने को तैयार। ठीक है, तुम और तुम्हारी बीवी कल मुझसे आके मिले, बाकी की तफसीलात मैं उसी दिन बताऊंगा। ठीक है सर, मैं जल्दी उससे बोल दूंगा जो आपको। जी मैम, मैंने ईमान को सब कुछ समझा दिया है। बज़ाहिर तो वो मुझे बहुत सुलझी हुई और अच्छी लगी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। मुझे भी ऐसे ही लगा है। मैम, मुझे लगता है ईमान की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। हो सकता है, लेकिन हमें उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम उस पर नज़र रखो कि वो बच्चों को सही से पढ़ा भी पा रही है कि नहीं पढ़ा रही। अगर ऐसा है तो फिर मुझे उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। मैम, ईमान एक अच्छी लड़की है। उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो बच्चों को बहुत दिलजोई के साथ पढ़ाएगी। आप उसे थोड़ा सा टाइम दें, वो आपको मायूस नहीं करेगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, वरना पेरेंट्स की शिकायतें मेरा दिमाग खराब कर देती हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है, थैंक यू मैम। तुमने जबरदस्ती मुझे इतना खिला दिया, अब पता नहीं मुझसे घर जाके खाना खाया जाएगा भी या नहीं। अब तुम्हें अपनी रूटीन यही बनानी होगी, भूखे पेट तो नहीं बच्चों को पढ़ा सकते ना। और ये आजकल के बच्चे भी तो सर में दर्द लगा देते हैं, क्या बताऊंगा। चलो दानियाल भाई आ गए, मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, ख्याल से जाना, ठीक है? और कल वक्त पे वापस आ जाना, वरना मैम गुस्सा हो जाएंगी। वक्त से पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह। ए लड़की, I'm so sorry। तू देख के नहीं चल सकती लड़की? मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया, I'm so sorry। क्या हुआ ईमान? वो तो यही ईमान है जिसे मैडम ने आज ही रखा है। जी, इसे अच्छी तरह समझा दो कि आइंदा देख के चला करे। देखो मेरा सारा काम खराब कर दिया। मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे नजर नहीं आया। लाए मैं साफ कर देती हूँ अगर आप कहें तो। डोंट वरी ईमान, सफाई हो जाएगी, तुम जाओ आराम से। बहुत माजरत। रिलैक्स, हो जाएगी सफाई, जाओ। सॉरी। क्या हो गया, सफाई कर लो, कौन सी आफत आ गई है? सफाई करो। क्या के चली गई सारा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। कैसा रहा पहला दिन ईमान? अच्छा था, वैसे आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से वक्त का पता ही नहीं चला। चलो अच्छा है। मैं देखूं? नहीं नहीं, बैठो, मैं देखता हूँ। ठीक है।
क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे इस घर से निकाल के मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? देखा तुमने, देखा तुमने इसके दिमाग में कितना खन्नास भरा हुआ है कि हर बात को इसी तरह नेगेटिव एंगल देती है। खाना लगाती हूँ, लेकिन पहले हम हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद सारे गिफ्ट्स को लेंगे, ठीक है? चलो। फैसल भाई, घर में सब ठीक है ना? आपने भाभी से? तुम दोनों से वादा जो किया था, जो होना था सो हो गया। खैर तुम ये बताओ कि तुमने बैंक से पता किया चेक? हाँ वो एक सेकंड, ये देखिए ये रसीद भेजी है मुझे फखर ने, इस पे लिखा है कि चेक तो ईमान ने कैश कराया लेकिन साइन उसका नहीं है। ये तो समिया की हैंडराइटिंग है। आप पक्की बात है भाई? कैसी बातें कर रहे हो दानियाल? मैं समिया की हैंडराइटिंग से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इसका मतलब है कि पैसे समिया ने ही चोरी किए हैं, सब मेरी गलती है, मैंने उसे इतनी छूट दे रखी थी और फिर मेरे दिल में भी तो लालच आ गया था। तुम दोनों को उससे ज्यादा अच्छे हाल में देखा तो सोचा तुम दोनों के पास मुझसे ज्यादा है। तो तुम दोनों का हिस्सा अपने नाम करवा लिया। लानत है मुझ पर, समिया के उकसाने पर अपनी छोटी बहन का हिस्सा अपने नाम लिखवा लिया मैंने। गलत तो मैं भी था ना यार, क्या क्या कुछ नहीं किया, कितनी ज्यादतियां नहीं की मैंने तुम दोनों के साथ। लेकिन समिया को ये पैसे ईमान को वापस लौटाने होंगे हर हाल में, ये ईमान की इमानत है। ये पैसे मैं समिया को नहीं खाने दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन प्लीज इनसे आराम से बात कीजिएगा। अरे अम्मी आप तो समझ ही नहीं रही मेरी परेशानी। अगर आप कल रात फैसल के तेवर देख लेती ना तो आप भी घबरा जाती। अरे ये फैसल को क्या हो गया? हमेशा तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बना रहता था, ये अचानक शेर कैसे बन गया? शेर बन नहीं रहे, शेर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा नाम भी समिया है, मैं नहीं डरने वाली इन चीजों से। देख समिया, मेरी एक बात याद रखना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बेशक फैसल तेरे कंट्रोल में है, वो तुझसे बहुत मोहब्बत भी करता है, लेकिन तू हमेशा मोहताद रहना। मुझे पूरा यकीन है कि वो बदबख्त दानियाल और उसकी बहन तुझसे बदला जरूर लेंगे। अरे मैं तो पहले ही एक बेटी का मातम कर रही हूँ, दो दो को मैं कैसे संभालूंगी? अरे अम्मी आप क्या ओवर फॉल बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फैसल तो मेरे बगैर एक कदम भी नहीं रखते, वो भला ऐसी हिमाकत क्यों करेंगे? अच्छा अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो मैं फैसल को फोन कर लूँ, उनसे पूछना कि अभी तक टीपू को स्कूल से लेकर क्यों नहीं आए। ठीक है बेटा, बस तू अपना ख्याल रखना। ओके अच्छा खुदा हाफिज अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह या अल्लाह तू मेरी बेटी की मदद कर। मैं महा की तरफ से तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ।
नहीं नहीं पप्पू, कैसी बातें कर रही है? It's okay. मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बहुत मूडी है, किसी वक्त भी किसी को कुछ कह सकती है. लेकिन मैं तो आपकी वजह से गई थी. मैंने सोचा आप परेशान हैं. अहमर और महा दोनों से अलग अलग होके बात करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि महा मुझसे इतनी नफरत करती है. क्या किया उसने? महा ने तुमसे बदतमीजी की है समरी? नहीं अहमर. मुझे सच सच बताओ, महा ने तुमसे बदतमीजी की है कि नहीं? अहमर वो कह रही है ना कि कुछ नहीं हुआ. मॉम आप बिलावजह मेरे सामने उसकी बदतमीजियों पे पर्दा डाल रही हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कितनी बददिमाग है. समरीन टेल मी, डिड शी से एनीथिंग टू यू? ऐसी कोई बात नहीं है मैम, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अगर आप लोग मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे खुद ही जाके उससे पूछना पड़ेगा. अहमद, अहमद बात. तुम बाज नहीं आओगी ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी ये जगह खाली है, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती. तुम क्यों चला रहे हो? मेरे सर में ऑलरेडी दर्द है. क्योंकि तुमने समरीन के साथ बदतमीजी की है. मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की. झूठ बोल रही हो तुम, हमेशा हर बात पे झूठ बोलती हो. बहुत बड़ी झूठी हो तुम, जानता हूं मैं. खुद के बारे में क्या ख्याल है? तुम कौन सा सच बोलते हो? तुम भी तो हर बात झूठ बोलते हो. दुनिया के सबसे बड़े झूठे तुम खुद हो, मैं नहीं. महा तुम अहमद, फॉर गॉड्स सेक, तो क्यों झगड़ा कर रहे हो महा से? इस बेचारी की तो पहली तबीयत खराब है. इसकी तबीयत से ज्यादा इसका दिमाग खराब रहता है हर वक्त. अहमद प्लीज, इतना हाइपर नहीं होते. अच्छा तो तुम भी आंटी की तरह गेम्स कर रही हो. आई मीन, पहले हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाओ, फिर जब हमारी लड़ाई हो तो आके सारे अच्छे बनने का ड्रामा करो. वैसे क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे इस घर से निकाल के मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? देखा तुमने, देखा तुमने इसके दिमाग में कितना खन्नास भरा हुआ है कि हर बात को इसी तरह नेगेटिव एंगल देती है. महा अभी इसी वक्त समरीन से माफी मांगो. और अगर नहीं बोलूं तो? अगर नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा. अहमद इनफ, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम दोनों ने तो हम लोगों का तमाशा बना दिया है. मियां बीवी के रिश्ते को मजाक समझ रहे हो? मजाक तो आपके इस बेटे ने समझा हुआ है. पहले वो ईमान इसकी फेवरेट थी और अब अपनी कजन के चक्कर में लगा हुआ है. पूछे ना आप इससे कि इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस कहां है, मैं कहां स्टैंड करती हूं, मेरी कहां जगह है. महा अपनी जगह खुद बनाई जाती है, और अगर तुम अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो रही हो तो इसका मलबा दूसरों पर मत उतारो. तुम इसे अच्छी तरह जानती थी, ये तो ऐसे ही था. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे इंसान का इंतखाब कभी नहीं करती. लेकिन अगर अब कर चुकी हो ना तो सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करो. मैं और तुम्हारे घर वाले भी ना एक हद तक तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगी ना तो अपना घर खुद बर्बाद करोगी. मॉम बस अहमद, तुम दोनों के जो भी मसले मसाइल हैं अपने तक महदूद रखो, दूसरों पे रख के झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. चलो समरी.
जिस घर में मेरी मर्जी ना हो उस घर में मैं अब और नहीं रह सकती अम्मी। तानियाल को भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और ना ही उसकी जगह मैं किसी और को दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। फरीहत तुम? आओ अंदर आओ, क्या हुआ? फरिया, अरे कहाँ चली गई ये लड़की? बगैर बताए कहीं चली गई है। अरे फरिया, फरिया, ये फरिया। मैंने खुद को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना इस वक्त कर रहा हूं। यानी दानियाल की बातें सुनने के बाद मैं अपनी औलाद को अपने सामने बर्बाद होता हुआ देख रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बेबस हूं। मेरी बात हुई थी मां से कि अमर के साथ जाने में मेरी मदद करे। तो फिर क्या कहा उसने? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पूरे यकीन है कि वो अमर की हकीकत जानने की कोशिश जरूर करेगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे अमर की सच्चाई दिखाई क्यों नहीं दे रही। माना वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इतना अंधा एतबार कौन करता है? मोहब्बत की पट्टी तो आपकी भी दोनों औलादों ने अपनी आंखों पर बांध रखी है। ये आपका बेटा, ये कौन सा मानने को तैयार है कि इसकी बीवी गलत है? नजमा, अभी बातें बहुत उलझी हुई हैं। क्या झूठ है और क्या सच किसी को नहीं पता। और वो दानियाल बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में अहमर और ईमान का सबके सामने झगड़ा हुआ था। तो ये कौन सी नई बात है? अहमर की अम्मी ने मुझे खुद बताया था कि ईमान ने अहमर के मुंह पर थप्पड़ मारा था। पहले तो दोस्ती कर ली और फिर थप्पड़ मार दिया। हो सकता है अहमर ईमान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हो। अच्छा, बदला लेने के तो और भी बीसियों तरीके। वो महा से शादी कर ईमान से बदला ले रहा है या फिर महा से?
और जरा ईमान की चलाकी तो देखे, उसने माहा की शादी रुकवाने के लिए इतनी सर तोड़ कोशिश की लेकिन ये नहीं बताया कि उसका और अहमर का क्या इशू है। और वो दानियाल, अपनी बीवी छोड़ने के लिए तो उसने मिनटों में फैसला कर लिया, और जहां अपनी बहन हम पर मुसल्लत की हुई है, पता नहीं कैसे जान छूटेगी। लेकिन फखर की दूसरी शादी होगी, ये बात तो तय है। चुप करो नजमा, मुझे माहा की फिक्र पड़ी हुई है और तुम्हें फखर की दूसरी शादी की पड़ी है। माहा से भी मैं गाफिल नहीं हूं, मेरी समीना से बात हुई थी, वो बता रही थी कि आजकल उनकी भतीजी आई हुई है उनके घर पे। कौन है ये? मेरी सहेली है फरीहा, स्कूल में हम साथ ही पढ़ते थे। तो यहाँ पर क्यों आई है? मुझे खुद भी नहीं पता, आज सालों बाद मुलाकात हो रही है मेरी। तो यहाँ का पता किसने दिया उसे? आपके सवाल खत्म होंगे तो मैं पूछूंगी उससे जाके क्यों आई है वो। तुम्हें दिख नहीं रहा, वो अपना सामान भी साथ लेकर आई है। समझती भी इसका मतलब? पता नहीं क्या गुल खिला कर आई है यहाँ पर। ऐसा बोले सुन लेगी वो। तो सुनती है तो सुनती रहे, मेरी भला से। मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया तुम्हारे जानने वालों को घर पे रखने का। अच्छा अब अपना राज नहीं हो, मैं पूछती हूँ उसे वो क्यों आया यहाँ पे। प्लीज कैलम डाउन।